दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्य जी न्यूज चैनल में। दोस्तों वे एक बार हम फिर उपस्थित हुए आप लोगों के समक्ष नई जानकारी लेकर के। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रत्येक व्यक्ति को पीएसएल का पैसा ब्याज सहित मिलना चाहिए और कब से मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है, इस पर चर्चा होगी दोस्तों। और इससे पहले हम चाहेंगे दोस्तों जो पहली बार इस चैनल पर न्यूज देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि उन्हें लेटेस्ट न्यूज़ सर्वप्रथम मिले दोस्तों। और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आते हैं अपने पीएसएल के मुद्दे पर। दोस्तों संगठन के जो सुरंदा कदम है जनलोक प्रतिष्ठान से सुनने में आया कि उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन लगा था, लेकिन दोस्तों ऑब्जेक्शन में कहीं यह जिक्र नहीं था कि दोस्तों पहली बात यह हम कहना चाहेंगे जो ऑब्जेक्शन की लिस्ट जारी होती है उन्हें देशवासियों को समझने के लिए हिंदी में डालना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में पढ़ा हुआ है लोग समझ न पाए। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कोई उस लेटर में कोई ये बात नहीं लिखी थी कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्याज सहित पैसा मिलना चाहिए, ऑब्जेक्शन होना चाहिए था, लेकिन कहीं पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इनकी तरफ से कि पीएसएल के लोगों का पीएसएल में जमा धन जो जमा है और रिटर्न में मिले तो ब्याज सहित मिले। और जो रसीदें मांगी जा रही हैं वो रसीदें ना मांगी जाएं, केवल बॉन्ड मांगा जाए और आधार कार्ड पैन कार्ड ऑप्शनल करके इसमें ऑप्शन दिया जाए कि जिनके पास आधार कार्ड है आधार कार्ड लगाएं, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो अपना वोटर कार्ड लगाएं, वोटर कार्ड पैन कार्ड ये और ड्राइविंग लाइसेंस इन सब चीज़ों को इसमें रखें। लेकिन इस प्रकार के ऑब्जेक्शन में नहीं लिखा, ऐसा ऑब्जेक्शन हो इनकी तरफ से ऐसा भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो दोस्तों हम किस तरह माने कि हमारी लड़ाई संगठन वाले लड़ रहे हैं। दोस्तों दुखद बात है। रही बात जमीन की, जमीनों को कम रेट में बेचा जा रहा है ये ऑब्जेक्शन लगाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी अब लगाया गया, चलो ठीक है, लेकिन क्यों लगाया गया इसका बात करते हैं, इसका भी बात करेंगे आगे। दोस्तों कम लगाया गया, कम रेटों में बिक रही हैं तो ये भी एक साजिश के तहत दोस्तों बिक रही हैं, इसमें भी साजिश है और लोगों का पैसा नहीं मिल पा रहा। दूसरी बात, अगर हम एक तरीका ये भी अपनाएं कि अगर हम चाहें प्रोटेस्ट करके प्रदर्शन करके आंदोलन करके पैसा सरकार से ले लें, सेबी से ले लें, सरकार की संस्था सेबी से ले लें, तो दोस्तों असंभव। आज के समय में प्रोटेस्ट करके आप पैसा नहीं ले सकते हैं। देखिए हाल में ही देख रहे हैं सीओएनआरसी के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करने वालों की क्या हाल है। आप शांतिपूर्वक तरीके से अगर धरना कर रहे हैं कब पुलिस आए आपके ऊपर बर्बरतापूर्वक हमला कर दे, आपको तितर बितर कर दे। दोस्तों ऐसे में धरना प्रदर्शन करके भी हम लोग पैसा नहीं ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन यह सच है कि बीजेपी की सरकार है और सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उल्टी गिनती शुरू इसलिए हो चुकी है क्योंकि झारखंड में अभी जल्दी चुनाव हुए हैं और चुनाव के नतीजे जो सामने आए चौंकाने वाले हैं। अब भी सरकार छेद जाए, जो चिटफंड कंपनियों में फंसा धन है निवेशकों को जल्द से जल्द ब्याज सहित दिलाए, अन्यथा प्रणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। कहीं पर भी चुनाव हो बीजेपी की हार इसी तरह होती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। दादागिरी नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार अगर सरकार करती है, सरकार के कर्मचारी करते हैं, संस्थाएं करती हैं, तो सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों आज सीए और एनआरसी के विरुद्ध
जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की बर्बरता के कारण लोगों की जानें जा रही हैं, पुलिस गोली भी चला रही है और मर भी रहे हैं। और सफाई में ये बताती है कि हमारी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले जाता। आपस में खुद प्रदर्शनकारी एक दूसरे के शिकार हो रहे हैं। यहाँ तक सुनने को मिला जो प्रदर्शनकारी हैं, प्रदर्शनकारियों के घर में जा कर के पुलिस खुद तोड़फोड़ करती है और लाठी डंडे से भी हमला करती है, मारती है और पुलिस या बर्बरता दिखाती है, सफाई देती है कि हमने कुछ नहीं किया। इस प्रकार की कोई घटना पुलिस द्वारा नहीं हुई। और NDTV साफ साफ दिखाता है पुलिस के हाथों में गन है और गनों द्वारा प्रदर्शनकारियों को मारा जा रहा है, CCTV तोड़ी जा रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत भारी संख्या में जगह जगह प्रदर्शन करके हम पैसा ले लेंगे, तो आज के युग में ये सोचना एकदम गलत होगा। दोस्तों, जन लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रह गया है। दोस्तों, बहुत दुख की बात है कि आप प्रोटेस्ट करके भी शांतपूर्वक प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको कब मार दिया जाए, पुलिस के हमला के शिकार हो जाए, दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए ये मन से, ध्यान से, दिल से निकाल लीजिए कि हम जन भागीदारी दिखा करके लोगों को भारी से भारी संख्या में एकत्रित करके हम पैसा ले लेंगे, क्योंकि ये भय का माहौल इसी आंदोलन से साबित हो जाता है। जो आंदोलन इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है CAA और NRC के विरुद्ध, इसी से सबक सीख लेनी चाहिए। हम लोगों को प्रोटेस्ट करने से पैसा नहीं मिलेगा, एकदम पक्की बात है। दोस्तों, इस प्रकार से पैसा नहीं मिलने वाला है। और रही बात, अगर दूसरी सरकार आती है, वो भी सरकार दिलचस्पी हमारे पैसे को लेकर नहीं दिखा रही है। इसलिए अगर दूसरी सरकार भी बनती है तो पैसा देगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर सरकार कांग्रेस की बन जाती है तो क्या वो पैसा देगी, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों, सब तरह से निराशा ही नज़र आती है। लेकिन ये तो तय है कि आने वाले समय में ये दादागिरी वाली सरकार नहीं चलेगी इनकी, और ये सरकार धुरियाधाम में मिल जाएगी, ये तो पक्का है। पैसा दूसरी सरकार में मिलता है या नहीं मिलता, ये बात कहना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। लेकिन करें भी तो क्या करें, PSL का पैसा मिलेगा, एक तरीका है दोस्तों। उस तरीके पर हम बात कर लेते हैं अंत में। वो तरीका है 21 और 22 अगस्त 2014 में जो पैसा निवेश हुआ है, ये लीगल कागजातों के द्वारा, लीगल लड़ाई के द्वारा पैसा मिल सकता है। जिस मुद्दे से संगठन वाले और मैनेजमेंट वाले सभी डरते हैं, इस पर बात नहीं करना चाहते हैं, इस पर बात करने से कतराते हैं, यही मुद्दा पैसा दिला सकता है ब्याज सहित। दोस्तों, इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताना। दोस्तों, इससे पहले हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, 21 अगस्त और 22 अगस्त 2014 को 15,000 करोड़ रुपए जमा हुआ, जो कि वायरल वीडियो के अनुसार ये पता चलता है कि 15,000 करोड़ जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो आतंकवादियों को दे दिया गया है। लेकिन सभी जगह जानकारी देने के बावजूद अभी जांच नहीं कर पाई है पुलिस और जांच एजेंसियां कि ये पैसा कहां गया है। दोस्तों, जब इस पर गहन जानकारी होगी तो इसी सिस्टम में हमारा ब्याज सहित पैसे का सिस्टम है। दोस्तों, इसको डिले इसलिए कर रही है कि ताकि लोगों को पैसा ब्याज सहित देना ना पड़े। दोस्तों, और ये सिस्टम जितना जोर पकड़ेगा उतना जल्दी ये लोग पैसा देने के लिए खातों में पैसा भेज देंगे, क्योंकि इसलिए भेज देंगे ताकि लोगों को ब्याज सहित पैसा ना देना पड़े। दोस्तों, अगर आप ब्याज सहित पैसा लेना चाहते हैं तो 21 और 22 अगस्त का मुद्दा तेजी से उठाना पड़ेगा। और इसको गाइडलाइन कर रहे हैं
द जीरो न्यूज पीएसएल मैडर, आप वहां से सारे कागजात सारे डॉक्यूमेंट पा सकते हैं और उनके सहयोग से, उस चैनल के सहयोग से सारी लड़ाइयां लड़ी जा सकती हैं। सारे संगठन और मैनेजमेंट सबकी फटी हुई है उस चैनल से दोस्तों। वो तरीका, वो जज्बात, वो विश्वास उस चैनल पर है जो पैसा दिलाने का अहम काम कर सकता है दोस्तों। आप जाइए द जीरो न्यूज पी एस एल मैटर के सारे वीडियो देखें और उचित कदम उठाकर पैसा लें दोस्तों। इसके अलावा कोई कदम हमेशा हमारी समझ से बाहर है। आप क्या समझते हैं, आपके क्या राय है, कमेंट के माध्यम से बताएं दोस्तों। दोस्तों इस 21-22 अगस्त 2014 में जो पैसा जमा हुआ है सेबी के पास का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये पैसा गया तो कहाँ गया है, इसको ढूंढना हम सब की जिम्मेदारी है दोस्तों और प्रत्येक एजेंट की जिम्मेदारी है। उसका पैसा गया है, उसने सभी निवेशकों का पैसा जमा करवाया है तो उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही बनती है सभी निवेशकों का पैसा वापस करने का और अहम भागीदारी निभाने का। इसलिए दोस्तों सरकार तो भाजपा की नहीं रहेगी लेकिन पैसा बाद में मिलना, ब्याज सहित मिलना कोई सरकार दिला नहीं पाएगी। ये केवल आप लोगों के लीगल कार्रवाई के चलते ही पैसा मिलेगा दोस्तों। हम चाहते हैं सभी लोग द जीरो न्यूज चैनल के बताए हुए रास्ते पे चले और 21-22 का मुद्दा उठा करके मैनेजमेंट से सारा पैसा ब्याज सहित ले दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में ये दायर होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।